और कांग्रेस अब आज अपना स्थापना दिवस मना रही है और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने कांग्रेस के स्थापना दिवस की। संविधान बचाओ देश बचाओ के नाम से आज स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस वक्त आप देख रहे हैं। स्थापना दिवस पर कांग्रेस का संविधान बचाओ देश बचाओ बचाओ मार्च होगा। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये जो कार्यक्रम है ये शुरू हो चुका है, फिलहाल तस्वीरें हमारे सामने हैं और आज क्या क्या करने की रणनीति है कांग्रेस की? देखिए, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। सोनिया गांधी तो कांग्रेस मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और आज से कांग्रेस मार्च निकालेगी नागरिकता संशोधन के खिलाफ और इसके साथ ही साथ आसाम में राहुल गांधी रहेंगे, प्रियंका गांधी लखनऊ में मौजूद रहेंगी। संविधान बचाओ देश बचाओ इस नारे के साथ में फ्लैग मार्च कांग्रेस आज विश्वभर में निकालेंगे। स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ एक बार फिर से इस मुहिम को शुरू करना चाह रही है और इसीलिए सोनिया गांधी जब स्थापना दिवस पर यहाँ कांग्रेस मुख्यालय पहुंची है तो इसके बाद से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का फ्लैग मार्च देश भर में शुरू हो सकता है। विशाल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपकी आवाज थोड़ी दुरुस्त नहीं आ पा रही है लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में और इस तस्वीर को एक बार अगर इसको इस तरह से कहें कि आज स्थापना दिवस पर कांग्रेस एकजुटता का संदेश देने के साथ साथ पूरे देश भर में संविधान बचाओ देश बचाओ मार्च करेगी जिसमें सीएए को लेकर 370 को लेकर वो अपना विरोध दर्ज करने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्टी मुख्यालय से सोनिया गांधी ने मुख्यालय में झंडा फहराया है और कांग्रेस का आज स्थापना दिवस जिसमें संविधान बचाओ और भारत बचाओ मार्च का आयोजन कर अपनी आवाज बुलंद करेगी कांग्रेस। फिलहाल ये पार्टी मुख्यालय की तस्वीरें जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तिरंगा फहराया और इसके बाद कांग्रेस की रणनीति आज, हालांकि आज पूरे देश में कार्यक्रम है कांग्रेस मुख्यालयों में, राज्य के जो कांग्रेस मुख्यालय हैं वहां पर भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जहां पे कांग्रेस तमाम मुद्दों को लेकर अपनी भूमिका को स्पष्ट कर ये बताने की कोशिश करेगी कि विपक्ष होने के नाते आज भी वो मजबूती से खड़ी है। ये रणनीति है कांग्रेस की और आपको ये भी बता दें कि तमाम नेताओं का जमावड़ा यहां पर लगना, कांग्रेस के दिग्गजों का जमावड़ा यहां पर लगना ये बताता है कि कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि अभी कैसे रणनीति के तहत वो आगे काम करेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जब से सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी है, एक बार फिर से अपने हाथ में उन्होंने कमान संभाली है कांग्रेस की, तो ये जो साल है ये कुछ राज्यों के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ कांग्रेस के लिए। हाल ही में हमने झारखंड के चुनाव नतीजे देखे जहां पर जिसे कहा जा रहा है कि संजीवनी बूटी की तरह से नतीजों ने कांग्रेस के लिए काम किया है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो हुआ, भले ही समर्थन कर जो कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर थी, गठबंधन की सरकार बनती है और कांग्रेस की उसकी उसमें भूमिका होती है और आप देखिए कि झारखंड में किस जिस तरह से कांग्रेस को एक बार फिर से बल मिला चुनावी नतीजों के बाद, वहां पर सरकार में कांग्रेस समर्थन देकर है। और अब ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे हैं और ये भी है कि आज क्या संदेश सोनिया गांधी कार्यकर्ताओं को देते हैं और राहुल गांधी किस तरह से जोश भरेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। तो ये तस्वीरें हम लगातार आगे दिखाते रहेंगे आपको, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक नजर देश भर की 50 खबरों पर।